रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज रायपुर आएंगे, 2 दिवसीय चिंतन शिविर में शामिल होंगे। तो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम में शिविर का आयोजन किया जाएगा, जनजातियों को अस्तित्व विषय पर चिंतन करेंगे। तो कार्यक्रम में देश भर से जनजाति समाज के 140 चिंतक और सामाजिक नेतृत्वकर्ता हिस्सा लेंगे और इस चिंतन शिविर में पत्थलगड़ी का भी मुद्दा उठेगा। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रायपुर आएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दिलीप जुड़ चुके हैं। जी दिलीप, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज रायपुर आएंगे, क्या कुछ जानकारी, कैसी तैयारी की गई है इस पूरे मौके पर? जी करिश्मा, बताना चाहेंगे कि पत्थलगड़ी के रूप में झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक के जनजाति समूह में बड़ी नाराजगी थे, आरएसएस भी सत्ते में है और इस नाराजगी का कारण जानने और चुनाव से पहले इसे शांत करने संघ प्रमुख मोहन भागवत वनवासी कल्याण आश्रम के बैनर तले आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक बड़ा कार्यक्रम है इनका, 2 दिवसीय एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये रायपुर से लगा हुआ निमोरा स्थित पंचायत विकास संस्थान में आयोजित है संगोष्ठी में। इस संगोष्ठी में वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेव राव उराव के अलावा सांसद राम विचार नेताम, एसटी आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय समेत आदिवासी समुदाय के सेवानिवृत्त अधिकारी, शिक्षक, वकील, वरिष्ठ राजनेता, सामाजिक नेता भी भाग लेंगे। ये इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर को छोड़कर पूरे भारत देश से 140 से अधिक जनजाति नेताओं और जनजाति क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख लोग इसमें शामिल होंगे। इसको आगामी चुनाव जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पत्थलगड़ी को लेकर आदिवासी समाज में पूरी नाराजगी है, सर्व आदिवासी समाज ने और महापंचायत का आयोजन कर उन्होंने एक घोषणा कर दिए हैं कि पूरे प्रदेश में पत्थल किया जाएगा।